वेलकम टू एम के अथॉरिटी। तो भाई शाओमी ने आज लॉन्च कर दिया है मी नोटबुक एयर चाइना में। तो भाई देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और लास्ट में देखते हैं मेरे ओपिनियंस इस लैपटॉप पर क्या है। तो भाई अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, स्पेसिफिकेशंस के पहले आपको ये भी बता दूं कि ये मी नोटबुक प्रो आया है मैकबुक प्रो को कम्पीट करने। तो भाई देखते हैं कि मैकबुक प्रो को कम्पीट कर पाता है या नहीं। तो भाई अगर हम स्पेसिफिकेशंस बात करें तो ये इसके अंदर आपको मिलता है स्लीक डिजाइन के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तभी आपको इसका ना मिलता है आईपीएस स्क्रीन टीएन स्क्रीन जो कि सेम मिलता है मैकबुक एयर में भी। अगर हम बात करें इसकी स्क्रीन के साइज की तो इसके ना आपको मिलता है 15.6 इंच का स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोडक्शन के साथ। तो भाई गोरिल्ला ग्लास भी मिल रहा है, अच्छी बात है। और ये पूरा नोटबुक आपको मिलता है ऑल मेटल बॉडी, तो अच्छी बात है। इसके आपको मिलता है 8th जनरेशन का इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर, पर ये प्रोसेसर है अनलॉक प्रोसेसर, मतलब कि ये लैपटॉप अनलॉक प्रोसेसर के लिए ठीक नहीं है। तो भाई देखते हैं शाओमी क्या करेगा। और इसके आपको स्पीड के हिसाब से आपको मिलेगा 4 GHz की स्पीड, तो भाई स्पीड दमदार है। और इसके अंदर आपको मिलेगा कूलिंग के लिए 2 फैंस, तो हीटिंग इश्यूज नहीं होंगी। और अगर हम बात करें इसकी टच पैड, तो ये लार्ज टच पैड होगा और फुल साइज कीबोर्ड के साथ। और इसका वेट अगर हम देखें तो 1.9 kg। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो भाई इसके अंदर आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर टच पैड के अंदर ही, तो भाई अच्छी बात है। और हम बात करें इसकी फैंस की कूलिंग की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 2 फैंस 2 फैंस, तो भाई कूलिंग अच्छी होगी और हीटिंग इश्यूज भी शायद नहीं होंगी। और हम बात करें इसके अंदर, तो भाई डॉल्बी एटमॉस का साउंड है इसके अंदर, फास्ट चार्जिंग है। और बैटरी के रेट्स अगर हम चेक करें तो 60 WH यानी कि 60 वाट आवर, तो भाई अच्छा है, बैटरी की रेट भी अच्छी है। और हम बात करें वाईफाई की स्ट्रेंथ की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 2 एंटीना AC वाईफाई, तो भाई वाईफाई का स्ट्रेंथ अच्छा होने वाला है। इसके अंदर आपको मेरा 3-in-1 कार्ड रीडर का स्लॉट, फुल साइज HDMI पोर्ट मिलेगा और USB 3.0 का भी सपोर्ट है, पोर्ट भी मिलेगा। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो भाई इसके अंदर मिलेगा आपको Windows 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई देखते हैं कि Xiaomi इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं। अगर हम देखें वेरिएंट्स की, तो इसके आपको मिलेंगे 3 वेरिएंट्स। जो पहला वेरिएंट होगा उसके आपको मिलेगा i7 का इंटेल कोर का प्रोसेसर 16 GB RAM के साथ। और जो दूसरा वेरियंट होगा वो होगा लोअर वेरियंट, जिसके आपको मिलेगा i7 का ही प्रोसेसर मगर 8 GB RAM के साथ। और तीसरा वेरियंट अगर हम देखें तो ये होगा बेस वेरियंट, इसके आपको मिलेगा i5 प्रोसेसर और 8 GB RAM के साथ। तो भाई अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इन तीन में भी आपको मिलेगा 256 GB SSD का स्टोरेज। तो यदि भाई स्टोरेज और रैम के बारे में अगर हम देखें इसका ग्राफिक्स कार्ड की, तो इसके आपको मिलेगा एनवीडिया के GeForce MX 150 के ग्राफिक्स। तो भाई ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत अच्छे है, देखते हैं ये मैकबुक प्रो के साथ कम्पीट कर पाता है या नहीं। अगर हम स्पेसिफिकेशन के साथ कंपेयर करें तो मैकबुक प्रो शायद सुपीरियर होगा। अगर हम वेरियंट्स के प्राइसेस की बात करें तो जो तीन वेरिएंट है, जो हायर वेरिएंट है वो i7 16 GB के साथ 16 GB RAM के साथ, ये आपको मिलेगा 6999 RMB युआन यानी चाइनीज युआन, तो इंडियन रुपीज में आपको मिलेगा 68,000 में। अगर हम दूसरा वेरिएंट जो लोअर वेरिएंट है i7 8 GB RAM के साथ, ये आपको मिलेगा 8599 युआन यानी 63,000 रुपीज। अगर हम बात करें i5 8 GB RAM जो बेस वेरियंट है, तो इसका रेट होगा 5599 युआन यानी 54,000। तो भाई रेट शायद थोड़े से ओवर प्राइस है, ज्यादा नहीं थोड़े से ओवर प्राइस है। अगर लोअर वेरिएंट शुरू हो सकता था 45,000 के साथ तो भाई बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो भाई देखिए ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। शाओमी तो अपने इवेंट में इंडियन लॉन्च के बारे में एक वर्ड नहीं कहा यार, देखते हैं। तो भाई इंडिया में कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पर लॉन्च होगा, या लॉन्च होगा भी या नहीं मी नोटबुक की तरह। तो भाई यही था हमारा शाओमी का एक्साइटिंग नोटबुक प्रो। तो यही था एक्साइटिंग नोटबुक। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, जय हिंद।